अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडेज़ टॉपिक दीन की बातें प्रेप कम एट द पेज नंबर 4 सूरत इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तर्जमा, कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना ही बेटा, और कोई इसकी बराबरी करने वाला नहीं। क्या है तर्जमा सूरत इखलास का? कह दीजिए अल्लाह एक है, कि कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना ही बेटा। अल्लाह ताला ना किसी के बाप है ना ही बेटे, और कोई इसकी बराबरी करने वाला नहीं, कि अल्लाह ताला की कोई भी बराबरी करने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई भी 3 लाइन्स वगैरह नहीं दी हुई, बस क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। रेड लाइन जो है वह सवाल है, ग्रीन लाइन जो है वो जवाब है। ये सूरत क्यों नाजिल हुई? कहा गया है कि ये सूरत क्यों नाजिल हुई है। एक दिन चंद लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि हमें बताएं कि अल्लाह कौन है। एक दिन चंद लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि हमें बताएं अल्लाह कौन है। इस सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने यह सूरत नाजिल की। इस सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने यह सूरत नाजिल की। किस सवाल के जवाब में? कि एक दिन चंद लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा अल्लाह ताला कौन है, और इस सवाल के जवाब में ये वाली सूरत नाजिल हुई। कौन सी सूरत नाजिल हुई? सूरत इखलास। दूसरा जो सवाल है हमारा वो है, सूरत इखलास में अल्लाह ताला की सफ़ात बयान की गई है। क्या बयान की गई है? सफ़ात बयान की गई है। अल्लाह ताला एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह की बराबरी करने वाला कोई नहीं। क्या सफ़ात बयान की गई है? अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह की बराबरी करने वाला कोई नहीं।